फाइनल। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है, युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है। कांग्रेस कह रही थी कि एक साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, छह महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के घोषित कर दिए। हमारे सेनापति अब मैदान में, सरकार का विकास पर्व चल रहा है, जन कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, अलग अलग गरीब कल्याण और जन कल्याण के कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। अभी 22 तारीख को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ होने वाला है। लाडली बहना जैसी कई योजनाएं पहले से ही हम लोग चला रहे हैं। तो युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है और हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है। अभी 20 तारीख को फिर हमारे नेता केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं, वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे सरकार का। हमने जो काम किया है उनके बारे में बताएंगे। हमारी विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक फिर ग्वालियर में होने वाली 20 तारीख को ही। विधानसभा के सम्मेलन चल रहे हैं, जनदर्शन चल रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं और हम लोग विजय के संकल्प और विश्वास के साथ मैदान में हैं। कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उलझुल आरोपों पर उतर आई है, लेकिन जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। जनदर्शन में भीड़ उमड़ रही है और हमारी तो यात्राएं भी प्रारंभ होने वाली है। इसी को देख के कांग्रेस परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से 2023 का विधानसभा जीतकर फिर सरकार बनाने वाली है और 2024 में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी लोकसभा की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।